नमस्कार, मैं हूं आकर्षण पलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें कि ऋषिकेश जाते वक्त हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने की सोची और आप यहां पर देखिए कि किस तरह से कितना यानी कि चुनौतियों भरा पहाड़ों के अंदर गाड़ियों को चलाना है। ये देखिए, एक मशीन को खींचने के लिए दो ट्रक, एक मशीन को खींचने के लिए दो ट्रक किस तरह से बांधे गए हैं एक दूसरे के साथ। ये देखिए, एक ट्रक लोहे की तार के साथ बंधा हुआ है और देखिए इस मशीन को खींचने के लिए कितनी बड़ी यानी कि आप समझ सकते हैं कि ट्रॉली यहाँ पर लगाई गई है। बड़ा ट्रॉला यहाँ पर लगाया गया और लोहे के बड़े बड़े इंग्लैरिंग यहाँ पर लगाए गए हैं और इस तरह से इसे खींचा जा रहा है। पहाड़ों का सफ़र कितना चुनौतियों भरा होता है, वहाँ पर विकास के काम करना कितना मुश्किल भरा होता है। ये देखिए, ये जो ट्रॉली है उसको चलाने के लिए जो जनरेटर है अलग से यहाँ पर रखा गया है और इसके पीछे भी एक और ट्रॉली लगाई जा सकती है, ट्रॉला लगाया जा सकता है। और बहुत चुनौती भरा जो पहाड़ों का काम है वो आप देख सकते हैं। और एक और जो ट्रक है, ये देखिए किस तरह से काफ़ी चुनौतियों भरा ये पूरे का पूरा जो सफ़र है वो रहता है। बड़ी बड़ी मशीन्स को ले जाने के लिए इस तरह से जो काम है वो किया जाता है। ये ट्रॉले पीछे लगाए जाते हैं और देखिए कितने टायर इसके अंदर लगे हुए हैं। और इन सब के ज़रिए जो पहाड़ों पर विकास के काम हैं किए जाते हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना गंभीर, कितना चुनौतियों भरा, कितना मुश्किल ये पूरे का पूरा सफ़र होता है। आइए चलते हैं आपको और चलते चलते दिखाते हैं। भैया, ये क्या चीज़ लेके जा रहे हो आप? ये ट्रांसफार्मर है सर। ट्रांसफार्मर कहाँ लगाओगे ये? ये तो अभी रिपेयरिंग होने जा रहा है, ये गढ़वाल से आया हुआ है। ये रिपेयर होने के लिए जा रहे हैं? रिपेयर होने के लिए। वापस भी ऐसे ही आएगा? जी हाँ, वापस भी ऐसे ही। कहाँ से लेके आए हो आप? ये तो हम लोग टिहरी डैम है ना, वहाँ से लेकर आए। टिहरी डैम से कब चले थे वहाँ से? ये तो हम लोग आज पाँचवा दिन है। आज पांचवा दिन है टिहरी डैम से? वो तो 40-50 किलोमीटर है। तो प्रतिदिन मतलब 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज्यादा इतना ही चल पाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप मेहता, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? तो आप कहाँ लेके जा रहे हो इसको? अभी तो भोपाल लेकर जा रहे हैं, एमपी भोपाल। इसको भोपाल रिपेयर के लिए? हाँ। ट्रांसफार्मर को? जी हाँ। तो जो वहाँ पे बिजली यूनिट लगा हुआ उसमें इस्तेमाल होता है इसका? हाँ, उसमें। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम कुलदीप मेहता है। कुलदीप मेहता है, बता रहे हैं कि 5 दिन पहले यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर का सफर है और 5 दिन हो चुके हैं इस मशीन को जाते हुए। चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि ये पूरा देखिए कितना मुश्किल ये चलती है। जो ये पीछे जो लगाया हुआ, क्या ट्रॉला कहते हैं इसको? क्या है? जी हाँ, एक्सल बोलते हैं इसको। एक्सल? एक्सल हाँ। एक्स्ट्रा लगते हैं? हाँ। तो दो ट्रक क्यों लगाए हुए आगे खींचने? दो ट्रक के वेट ज्यादा है ना, पूरा चढ़ाई है इसकी। बैग तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, बैग नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो झारखंड कब पहुंचोगे आप? झारखंड हम लोग तो कभी कभार 5 महीने 6 महीने जो छुट्टी मिलता है हम लोग जाते हैं एक जॉब कर। अच्छा, नहीं, इसको आप रिपेयर के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल? तो भोपाल कब पहुंचोगे? भोपाल तो अभी तो कम से कम 1 महीने लगेंगे। एक महीना लगेगा? जी हाँ। रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं? हाँ, रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं ट्रांसफार्मर और 1 महीना अभी जाने में लगेगा, रिपेयर होकर वहां से वापस आएगा और फिर इसको छोड़ने जाएंगे। आप समझिए कि पहाड़ों में जो सफर है, तकनीक कितना आगे बढ़ चुकी है, जहाज हेलीकॉप्टर सब कुछ होने के बावजूद भी जो इतने बड़े बड़े जो ट्रॉले हैं एक्सल है उस पे इसको लेकर जाया जाता है। आगे चलकर दिखाते हैं आपको कि कैसे ये पूरे का पूरा जो एक्सल है इसको खींचा जा रहा है दो ट्रकों की तरफ से। और आप देखिए कि यहाँ पर ये किस तरह से ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं भोपाल। और अभी तक एक दिन के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, 5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ये तय करते हैं और वहाँ तक पहुँचने में इनको 1 महीना लग जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है जो कि ख़राब हो गया था और उसको रिपेयर करने के लिए भोपाल लेकर जा रहे हैं। और भोपाल ले जाकर अभी तो लेकर जा रहे हैं, ले जाने में 1 महीना लगेगा, वहाँ रिपेयर में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद लाने में कितना टाइम लगेगा आप देख सकते हैं। और कितना हैवी ये ट्रांसफार्मर है जिसको दो ट्रक, आप देख सकते हैं, ये पहला ट्रक और ये देखिए ये दूसरा ट्रक, दो ट्रक के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट है और चढ़ाई है और चढ़ाई पर इस तरह से आना, ऊपर लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गाड़ी चल रही है और साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी भी इन्होंने की आगे चल रही है और साथ के साथ एक इनका बंदा भी साथ चल रहा है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है लाल झंडा लेकर, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में कितना ज़्यादा मुश्किल है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैं अर्जित वर्मा, आप सभी के साथ लाइव। जय हिंद, जय भारत।